हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है और टोटली हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं आप सबके लिए। सो फोकस कीजिएगा, आप कार्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए, आप गाइड करें एंजल्स। ओके, फोकस कीजिए, गाइड करें एंजल्स। ओके, फोकस कीजिए आप। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स किससे और क्या बातें कर रहे थे इनवर्स, गाइड करें, किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम। यस यस, ओके, फोर ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है, चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ उसके बाद ही आपसे बताती हूँ कि मुझे क्या दिखा अभी। द एम्परर की एनर्जी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, हर्मिट का कार्ड। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे पास, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके पार्टनर काफ़ी रोमांटिक है, ऐसे आज शाम बातें नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं रोमांटिक वाली, बट ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी बातें हो रही हैं काफ़ी सीरियस मूड में हो रही हैं आज की शाम आपके पार्टनर की बातें। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अलग सी एनर्जी है, ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, देखिए ये पर्सन क्या बातें कर रहे हैं, तो ये पर्सन सबसे पहले जिस पर्सन से बातें कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी एज में इनसे बड़े हैं, आपके पार्टनर से एज में बड़े हैं। ठीक है, और उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, भले ही एज में वो बड़े हैं या बड़ी हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं और वो लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे बॉन्डिंग है। ठीक है, सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे आज की शाम, आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज़ हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हुए हैं। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आता है जो कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करता है, आपको मैनिपुलेट करता है और आप भी इधर से जो है गुस्से में हो जाते हो और ये भी उधर से गुस्से में हो जाते हैं और दोनों के बीच में वही है कैट फाइट होती रहती है। ठीक है ना,
यहाँ पे कैट्स फाइट होती रहती है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कभी तुम तो कभी को तुम, कभी तुम तो कभी तुम, है ना, वो वाली चीज़ें हो रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार इतनी ज़्यादा आर्गुमेंट्स आजकल हम दोनों के बीच में होने लगी हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं। हम दोनों के बीच में इतनी खूबसूरत सी अंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा प्यारा रिलेशन, फिर भी हम दोनों के बीच में इतनी सारी खुश चीज़ें क्यों हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, हो ही क्यों रही हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में आज ऐसा हो गया है कि हम दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को जो है ना देखना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा हो गया है। और इतनी नफ़रत जो है ना हो गई है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा मेरे अंदर है, और साथ ही साथ उसकी याद भी आ रही है, याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। उसका कॉल मैसेज तो आता नहीं है और मैं भी इधर से नहीं करता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को लेकर के काफ़ी सिंपल वे में जाते हुए दिख रहे हैं, सिंपल में जो है ना उसका ना कोई कॉन्टैक्ट ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट, बस हम दोनों है ना अपने आप में मशगूल हैं कि चलो ठीक है तो ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन ये भी बातें कर रहे हैं कि यार तुम्हें पता है कि मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं सबसे पहले तो अपने बिजनेस को अपने जॉब को छोड़ करके कुछ और चीज़ों के ऊपर तो फोकस नहीं कर सकता ना, मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर तो फोकस नहीं करूँगा ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे हो रही है बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे हो रही है बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जो है ना अपने आप में अपनी लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना मतलब तबाह हो गई है, मेरी ज़िंदगी एकदम से तबाह हो गई है, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी जो है ना एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि एकदम मतलब ज़िंदगी एकदम से मेरी इधर की उधर हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि यस यस, ये जो पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं उसके साथ खुश बहुत ज़्यादा रहता हूँ, जब भी उससे मिलता हूँ, जब भी उससे बातें करता हूँ, चाहे कॉल पे ही बात हो, लेकिन हम दोनों के बीच में जो है ना जो भी बातें हो रही हैं या होती हैं, मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं उस समय बहुत एकदम से लगता है जैसे कि मुर्दे में जान डाल दी गई हो, वैसा इंसान मैं बन जाता हूँ यार। मुझे नहीं पता है कि उसमें ऐसा क्या है, लेकिन मेरी खुशियाँ उसके साथ हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे जो है ना उसके साथ लड़ाई करना भी अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ प्यार करना भी अच्छा लगता है, मेरे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हो गई है पूरी तरीके से फाइट, और यहाँ पे मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, क्योंकि हर्मिट का कार्ड अकेलेपन को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर जो है बातें कर रहे हैं कि यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत अफसोस में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरी जो तकलीफ़ है शायद कोई नहीं समझ सकता, शायद भी कोई नहीं समझ सकता, शायद कोई समझ करके भी नहीं समझ सकता, और मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ वैसा कर दिया, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इश्यूज़ जो है ना मेरे दिल दिमाग में जो है ना कुछ बातें जो है ना मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मतलब मेरे हाथ से जो है ना निकल सी गई हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मेरा पार्टनर का रिश्ता मेरे साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है कुछ आइडिया नहीं है, बट मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसको जो वर्ड्स बोले, जैसे बोले, चाहे मैं उसके ऊपर चीखा चिल्लाया या जो भी किया है ना, मैंने बहुत गलत किया, ये मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है। पता है क्या, उसकी हंसी जो है ना बहुत प्यारी है और उसकी हंसी मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ने लगा है, पता नहीं क्या बात है, कैसी बात है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ये जो बातें हैं ना, ये जो
फीलिंग्स है ना, ये मैं सिर्फ आपसे ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी फीलिंग्स हैं मेरे, जो भी इमोशंस हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं। आपको भी पता है कि मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कितने ज़्यादा क्लियर होते हैं, और मैं जो है अपने आप को लेकर के कितना श्योर होता हूँ, आपको भी पता है। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं ना जो कि बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। मेरी भी लाइफ है, आपकी भी लाइफ है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है ना जो कि कहते हैं ना कि समझ ना आना है ना, तो वही चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मैं जो है ना, मतलब अब तो जो है ना मैं मर ही जाऊँगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मुझे अपनी फीलिंग्स, मेरे अपने इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। कितना इंतज़ार करूँ मैं, कितना इंतज़ार करूँ उसकी तरफ। मुझे आज नहीं तो कल एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, एक्शन डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी जो कहते हैं ना कि जो कनेक्शन होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मन कर रहा है कि अब जो है ना एक्शन ले ही लूँ, अब मन कर रहा है कि मैं बात कर ही लूँ। यार जो है ना, कितना दिन हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, कितना दिन जो है हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। माना कि मेरे में ईगो इशू है, माना कि मेरे में जो है ना इतना ज़्यादा मुझे चढ़ जाती है कभी कभी ईगो, लेकिन ठीक है, उसके अनुसार से जो है ना हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, और जो भी है हम दोनों के बीच में काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्लियर वे में जो है मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मेरा जो है ना बॉन्डिंग बने, मेरी बॉन्डिंग उसके साथ ही बने। मैं इतना तक चाहता हूँ कि मेरा रिलेशन उसके साथ हो, और काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा उसके साथ जो है ना 10 of Swords की एनर्जी है, यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि 10 of Swords काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मैं अपने तकलीफ़ को छुपा रहा हूँ। मेरा जो है रियल फेस कोई नहीं देख पा रहा है, मेरे इमोशंस कोई नहीं देख पा रहे, मेरी फीलिंग्स कोई नहीं देख पा रहा है। सब जानते हैं कि यार ये तो खुश है, ये तो खुश है, मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्या नहीं फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ ना, शायद तुम सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा मेरे अंदर जो है ना तकलीफ़ हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, और मैं अपने आप को एकदम से संभाल रहा हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तुमने अभी मेरे चेहरे को देख करके पहचाना क्या कि मेरे तकलीफ़ में, मेरे दर्द में मैं क्यों डूबा हूँ, और क्या मैं तकलीफ़ में हूँ भी कि नहीं हूँ, कभी कभी तुमने रियलाइज़ किया? नहीं ना, मैं अपने आप को उस तरीके से शो नहीं करता, मैं अपने आप को उस तरीके से शो बिल्कुल भी नहीं करता। यार मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा जिससे जो है ना हम दोनों के रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, हम दोनों सक्सेसफुल हो जाएं, हम दोनों सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आ जाएं, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा जो है मैनेज कर ले, इतना ज़्यादा मैनेज कि उसकी कोई हद ना हो, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, हम दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो कि बस बस हम और वो, है ना, हम तुम का कॉम्बिनेशन जो है ना ये होना चाहिए। मुझे प्यार है उससे, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे प्यार करता रहूँगा। मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हैं और क्लियर हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने जो भी किया है, जैसा भी किया है, अपने बारे में सोच करके किया है, और कुछ समय तक जो है ना सिर्फ अपने बारे में ही मैं सोचता रहा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको भुला देना चाहता हूँ। देखो मैं इस रिश्ते में लॉयल रहना चाहता हूँ, और पूरी लॉयल्टी जो है ना उसको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, मैं लॉयल हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं मुझे, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। गाइड करें एंजल्स, ओके, देखते हैं कि इनका क्या कहना है। गाइड करें एंजल्स,
ओके, मुझे गाइड करें। ओके, ओके, ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी फिर से। चलिए, ये क्या कह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त, क्या कह रहे हैं, मैं उनको दोस्त ही कहूंगी। ओके, सो अदर कार्ड निकालते हैं, गाइड करें एंजल्स। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये टू कार्ड्स हैं तो हमें सिर्फ वन कार्ड चाहिए, इसलिए मैं वन कार्ड ही लूंगी। ठीक है, गाइड करें एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आए हैं, ऊपर के जो कार्ड्स हैं उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर कार्ड आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड करें। सो ये पर्सन का कहना ये है, ठीक है, इस पर्सन का कहना बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही क्लियर वे में ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, टू ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लियर वे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, इनके जो दोस्त हैं कहते हुए क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि देखो, समझदारी इसी में है कि तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी गीले शिकवे हैं, उसको तुम लोग बैठ करके, ठीक है, बात करो और पुरानी चीज़ों को भूल जाने की कोशिश करो। ठीक है, अपने अपने ईगो में दोनों के दोनों रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। दोनों दोनों अपने ईगो को लेकर के बैठे हो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे तो वो मुझसे माफ़ी मांगे, जिसमें दोनों माफ़ी नहीं मांगेंगे और दोनों का लॉस जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे, एक दूसरे को जो है, एक दूसरे की बातों को समझो, एक दूसरे को क्लियर करो, क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको करनी बाकी है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम लोग सब कुछ भुला करके, दोनों के दोनों सब कुछ भुला करके एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करो, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करो। देखो, रिलेशनशिप में क्या होता है, किसने किसको चीट किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इन सारी बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि बैठ कर बातें करो। तुम्हारे दिल में जो बातें हैं, उसके दिल में जो बातें हैं, एक एक करके जब सामने आएगा ना, तो सब कुछ है ना, सब कुछ सामने आएगा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना सीखो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना सीखो। पास्ट में किसने धोखा दिया है, इस बात को लेकर के लड़ाई करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे आगे, है ना। अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हील कैसे करोगे, एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे की लाइफ में आगे बढ़ करके, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे की ज़िंदगी में, दोनों एक दूसरे को जब चाहते हो तो दिल से चाहो ना, दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो दिल से चाहो, दोनों एक दूसरे को निभाना चाहते हो तो दिल से निभाओ। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, तुम चाहते हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे चाहने से तो नहीं होता है ना।
सामने वाला भी इंसान उतना ही होना चाहिए देने वाला, है ना। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जब प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए जब पॉसेसिव हो, तो ये सारी चीज़ें क्यों? तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे। और जो आगे लेके जाना होता है ना, ये बहुत बहुत हद तक सही होता है, ठीक है ना। तुम्हें अपनी लाइफ को एकदम से जैसे क्लियर करना होता है, जैसे क्लैरिटी होती है ना, वो क्लैरिटी तुम अपने थॉट्स में रखो, ठीक। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक। तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जीना होगा, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अभी भी वक्त है, इस तरीके से निराश, इस तरीके से उदास, इस तरीके से परेशान रहोगे, अपने आप को ब्लेम करोगे, उसको ब्लेम करोगे, तो तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ होगी, कितनी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी। तुम खुद भी नहीं समझ सकते हो, तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें खुद भी समझना चाहिए, ठीक है। तुम्हें समझना चाहिए कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि तुम जो है ना सही तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकते हो, सारी चीज़ों को कर सकते हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप में इस रिश्ते को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे यही नहीं कह रहा कि तुम उससे गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगो, नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो। बर्डन किसके ऊपर नहीं होता है, बर्डन किसके ऊपर नहीं है, हर किसी के ऊपर है। कोई ना कोई बर्डन है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से तो परेशान है ही। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइफ में जो है ना एक तरीके से लाइफ थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, लाइफ थोड़ी सी एडजस्टेबल नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आता है कभी कभी कि करना क्या है या किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। गलती तुम्हारी है तो तुम माफ़ी मांग लो, ठीक है ना। क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, अगर रिश्ता बच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम इंतज़ार करो, माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर तुम इंतज़ार करो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। इंतज़ार के अलावा और कोई चारा है क्या? और कोई चारा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो इंतज़ार तुम्हें करना होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंतज़ार करके तुम देखो, इंतज़ार जो है ना करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें जो है ना समझ में आएंगी, ठीक है। इस तरीके से तुम ऐसे करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक। तो तुम्हें जो है ना इंतज़ार करना होगा, तुम्हें इंतज़ार करके जो है ना अपनी लाइफ को धीरे 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 करके आगे बढ़ाना होगा। या तो तुम जाने का निर्णय लो या फिर उसके लाइफ में पूरी तरीके से ना जाओ, ठीक। यही तुम्हें निर्णय लेना होगा अपनी लाइफ के लिए। बाकी आगे का तुम्हें देखना होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब तुम्हारा टेंशन है, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। अब इनका यही है कि ये पर्सन ज़िद्दी हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, ठीक। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, या साथ ही साथ अगर आप कोई जो है क्रिस्टल ब्रेसलेट, ट्री,
पिरामिड लेना चाहते हैं जो कि एक्टिवेटेड होगा और आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है एक्टिवेट करके दिया जाएगा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग को कंफर्म करवाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे किसी नए रीडिंग में। और ये जो रिंग की आपको जो वीडियो आ रही है, इस रिंग की वीडियो को आप लोग पूरा देखो, चाहे आपको लेनी हो नहीं लेनी हो वो अलग की बात है, लेकिन एक तरीके से जानकारी के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये इसके बाद वाली वीडियो। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करो। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक देखो और देखो अगर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन उसी रिंग में मिल जाती है तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे किसी नए रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन रिंग्स के बारे में, और ये जो रिंग है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। हर एक रिंग, हर एक कलर का एक अलग बेनिफिट होता है, और रत्न शास्त्र में इसका एक अलग ही बेनिफिट है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो आपको जड रिंग दिख रहा है इसके बारे में, यह है ग्रीन जड रिंग। दोस्तों, रत्न शास्त्र के अनुसार हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से तो होता ही है। रत्न धारण करने से ग्रह का शुभ अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर हम रत्न धारण करते हैं तो ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे हम कम करते हैं, रत्न से हम ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही रत्न पहनकर कमजोर ग्रह को मजबूत किया जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं जेड स्टोन के बारे में। रत्न शास्त्र के अनुसार से जेड स्टोन एक तरह का ड्रीम स्टोन माना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है देखने में, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत 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 ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस रत्न को पहनने से हमारे सपने सकारात्मक रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या और बेनिफिट्स हैं। चलिए मैं आपको इस रिंग को बहुत ही नजदीक से दिखाती हूं। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिंग जो कि एडजस्टेबल है। आप लोग देख सकते हैं इसको, मैं आपको नजदीक से इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेहद ही प्यारा खूबसूरत सा ग्रीन कलर है। सो इस रिंग की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ये जो रिंग है इसकी सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज है। अगर आपका जो है मर्क्यूरी प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उसको आप सही करने के लिए इसको वियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं बहुत हद तक। हार्ट चक्र हील होता है तब जाके हमारी लव लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है। तो ये जो ग्रीन जेड का रिंग है ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में गुड लक को लेकर के आता है। ये आपके लाइफ में आपके करियर में स्टेबिलिटी लेकर के आता है, साथ ही साथ ये मस्कुलिन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करता है। ये आपकी जिंदगी में हार्मनी को लेकर आता है, साथ ही साथ आपका माइंड काफी पीसफुल कर देता है। ये जो रिंग है बहुत ही प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल होकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें भी ये आपकी काफी हेल्प करता है।
साथ ही साथ ये जो है आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है जो कि काफी सच्चा हो। आज के टाइम में एक सच्चे इंसान से मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जो रिंग है आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आता है जो कि आपके साथ ऑनेस्ट भी रहते हैं और आपका साथ भी देते हैं। ये जो है रिंग है आपकी लव लाइफ में भी काफी अच्छा कारगर सिद्ध होता है, यानी कि आपकी लव लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इसको बाय करते हैं। इस रिंग के बेनिफिट्स आप एकदम आराम से ले सकते हैं। इसको वियर कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे, किस दिन वियर करना है, कैसे वियर करना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, क्योंकि ये रिंग एनर्जाइज करके हम देते हैं आपको। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस रिंग को तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इसकी बुकिंग कन्फर्म करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे रिंग के बारे में। दूसरा रिंग है हमारे पास रोज क्वास का रिंग। रोज क्वास का रिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर है। और इसके डिजाइन्स कुछ इस प्रकार हैं, अलग अलग डिजाइन्स आपको मिल सकते हैं, जैसा डिजाइन आप लोग लेना चाहें, बड़ा छोटा कोई भी डिजाइन तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए ये है आपका रोज क्वास का रिंग। रोज क्वास तो अपने आप में ही फेमस है, आपको पता है कि रोज क्वास हम किस लिए यूज करते हैं। रोज क्वास हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ में, लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आराम से खत्म हो जाए। रोज क्वास से आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रोज क्वास आपकी लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो रोज क्वास का रिंग, रोज क्वास का ब्रेसलेट, रोज क्वास का पेंडेंट या रोज क्वास का क्रिस्टल ट्री या फिर रोज क्वास का पिरामिड यूज कर सकते हैं। रोज क्वास आपकी जिंदगी में उन सारी चीज की कमियों को पूरा करेगा जो कि आपको लगता है कि आपको कोई तो प्यार ही नहीं करता है, आपके जीवन में कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, आपको किसी से भी प्यार नहीं है, या आपको लगता है कि मुझे सिर्फ झूठे व्यक्ति मिलते हैं अपनी लाइफ में जो मुझे चीट करके चले जाते हैं, तो आप ये रोज क्वास का रिंग लेंगे जिसे आपकी तरफ तो वो इंसान आएगा ही जिसको आप पसंद करते हैं, साथ ही साथ जिससे आप अपना रिलेशन सही करना चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस में अपने बॉस के साथ रिलेशन सही करना चाहते हैं, चाहे आप किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, तो ये रोज क्वास का रिंग आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ये रोज क्वास का रिंग, रोज क्वास का ब्रेसलेट, रोज क्वास का ट्री या रोज क्वास का पिरामिड हो, कुछ भी आप जो है अगर अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। रोज क्वास अपने आप में एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है जिससे आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है और आपके हाथों की भी खूबसूरती बढ़ती है। आपकी खूबसूरती यानी कि ये जो क्रिस्टल है, ये जो रोज क्वास का ब्रेसलेट है या ट्री है या फिर ये रिंग ही है, तो क्या हुआ, ये जो रिंग है आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, यानी कि आपको एक खूबसूरत सा ग्लोइंग फेस देता है। अगर आपके स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके स्किन पे दाने निकलते हैं या फिर आपकी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन के लिए भी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। सेल्फ लव के लिए काफी अच्छा है। आप अपने आप के ऊपर ऐसा आपको लगता है कि आप अपने आप से खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो यस आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। साथ ही साथ ये जो है आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है, लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। लव लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इंगेज हो गया है या आपको छोड़ के चला गया है, तो आप ये रोज क्वास का रिंग वियर कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। इसको भी हम एनर्जाइज करके देते हैं, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, उसके अनुसार से हम एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद से आपको ये रिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां से बुकिंग को कन्फर्म कीजिए, प्राइस बहुत ही कम है, सो जरूर बुकिंग कीजिए। चलिए अब हम दूसरे रिंग के बारे में बात करते हैं।
सो ये डिजाइन्स अवेलेबल हैं, आपको जो डिजाइन चाहिए आपको मिल जाएगा। अगला रिंग है हमारे पास, ये रिंग है मेरे पास सिल्वर की, ये हमारी सबसे स्पेशल रिंग है। इसमें भी हमने ग्रीन जड़े का ही इस्तेमाल किया है या ग्रीन जड़ का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये जो रिंग है ये सिल्वर में बना होता है, ये सिल्वर की पूरी कोटिंग है, ठीक है। ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई जाती है ऑर्डर के अनुसार से, ये हमारे पास पहले से प्रिपेयर नहीं होता है, ये जब आप ऑर्डर देते हैं तब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये जो रिंग है ये बेहद ज्यादा देखने में खूबसूरत भी है, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये जो बेनिफिट्स देता है, इस रिंग के बेनिफिट्स क्या है पहले हम वही बात कर लेते हैं। तो ये जो रिंग है ये आपको ये बेनिफिट देगा कि एक रिंग में आपके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, उतनी प्रॉब्लम के लिए आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर आपका माइंड काफी निगेटिव रहता है, काफी स्ट्रेस में रहते हो, काफी ज्यादा निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, या आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपको किसी ने कंट्रोल करके रखा है या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है तो लव लाइफ वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। साथ ही साथ अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप मैरिड हो और आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रहा है, या आपके हस्बैंड किसी और के साथ चले गए हैं, या आपकी वाइफ किसी और के साथ चली गई है, तो इसमें भी ये जो रिंग है काफी ज्यादा हेल्प करता है। किसी को वापस बुलाना चाहते हो तो ये रिंग यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो रिंग है ये काफी इफेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए भी काफी अच्छी है, ठीक है, बिजनेस के लिए भी काफी अच्छी है। लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसको पूरा करने में ये रिंग काफी हेल्प करता है आपकी। ये जो रिंग है इतना ज्यादा पॉजिटिव है, इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि अभी तक लोगों की हमने इतनी ज्यादा बुकिंग की है इस रिंग की कि मतलब हम क्या ही बताएं। ये रिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो भी इसका प्रभाव जिस दिन से आप पहनेंगे उसी दिन से आपको दिखाने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये रिंग लेना चाहते हैं आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये रिंग को बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आप ये जो रिंग है उसको ले सकते हैं। तो ये जो रिंग है ये रिंग सिल्वर में बनाई जाती है, आपके रिंग का नाप लेकर के साइज आप बताएंगे उसके बाद से ये रिंग बनेगी, ओके। सो ये रिंग के बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है जो कि मैंने आपसे शेयर किया। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इस रिंग की। ये रिंग अपने आप में काफी ज्यादा अलग है, लैब्राडोराइट। इस रिंग का नाम है लैब्राडोराइट। ये रिंग काफी स्पेशल रिंग है उन लोगों के लिए जो कि पीसीओडी से काफी ज्यादा ग्रसित हैं। फीमेल पर्सन काफी ज्यादा परेशान होती है इन सारी चीजों से, यानी कि एक तरीके का जो हमारा पीरियड होता है उन लोगों के लिए काफी अच्छा है ये, ठीक है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल पर्सन के लिए ही सिर्फ नहीं है लेकिन स्पेशल फीमेल पर्सन के लिए ही है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो भी आप ये रिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली मैंने फीमेल पर्सन के लिए क्यों कहा, फीमेल पर्सन के लिए इसलिए कहा कि मासिक धर्म में बहुत दर्द होता है, बहुत उल्टियां होती हैं, बहुत ज्यादा हमें लगता है कि मन खराब है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है और हम दर्द में परेशान होते हैं। तो उन सारी चीजों से अगर आप परेशान हो तो आप ये रिंग वियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका टाइमली नहीं होता है पीरियड तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। काफी पेन होता है, काफी तकलीफ होती है, उन सारी चीजों को जो है ये रिंग बैलेंस करता है और आपकी खूबसूरती को निखारता है, ठीक है। तो ये जो रिंग है आप उसके लिए वियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मनी को अट्रैक्ट करने के लिए या बीमारियों को सही करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इस रिंग को, ठीक है। चलिए ये रिंग के बारे में हमने बात कर ली, अब हम इस रिंग के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट कह सकती हूँ या फिर कह सकते हैं कि रिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। ये रिंग है, अभी मेरे पास ब्रेसलेट भी अवेलेबल है, आप दोनों फॉर्म में मेरे से ये ले सकते हैं, एनर्जाइज फॉर्म में, ओके। सो ये जो रिंग है इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सो ये है वो रिंग, ब्लैक टर्मोलाइन।
आप लोग देख सकते हैं बेहद खूबसूरत है ये, ठीक इसी का पीस है ये, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसके बेनिफिट्स बहुत अलग हैं। ये जो है सबसे पहले ब्लैक कलर हम नजर से बचने के लिए यूज करते हैं, तो यस ये जो है एवल आई प्रोटेक्ट करता है, एवल आई से प्रोटेक्ट करता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए ये काफी अच्छा है। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव रखता है ये, ठीक है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को क्लीन करता है। साथ ही साथ ये आपको निगेटिव होने नहीं देता है। इसको अगर आप वियर करते हैं तो आप काफी पॉजिटिविटी फील करेंगे, निगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं रहेगी, निगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं अगर आपने ये वियर किया हुआ है तो, ठीक है। ये जो है ये आपके हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस एंड प्रोग्रेस के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर आप इस रिंग को वियर करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि इन सारी चीजों से रिलेटेड है, यानी कि आप अपनी लव लाइफ में भी परेशान हैं, आपके करियर में भी परेशान हैं, या फिर आप अपने लाइफ में चल रही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो भी आप ये रिंग जो है ले सकते हैं। ये आपके गोल को अचीव करने में काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है आपके लाइफ में जो टफ टाइम चलता है, ठीक है, उसको भी जो है खत्म करता है और आपको एक सही डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। आपकी लाइफ में आप काफी कंफ्यूज होते हो तो उस कंफ्यूजन से निकलने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप काफी स्टक फील करते हो किसी ऐसी सिचुएशन में जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी, नर्वस हेजिटेशन होता है आपको, तो आप इस जो है रिंग को यूज कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम से जो है हटने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करना चाहते हैं तो जरूर आप ये रिंग लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि ये जो रिंग है ना ये ऐसी वैसी रिंग नहीं है, और ये जो है आपको प्रोटेक्शन किस लिए देती है, ये तांत्रिक जो लोग होते हैं ना, तांत्रिक वो लोग करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। ये स्पेशली वो लोग पहन सकते हैं जिनका जो ब्रेसलेट है या फिर रिंग है, ये वो लोग राशि के पहन सकते हैं जिनकी राशि लिब्रा है, स्कॉर्पियो है एंड कैप्रिकॉन है। ये लोग जरूर पहनिए इस रिंग को या इस स्टोन के ब्रेसलेट को, वो आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो रिंग है इसके बेनिफिट्स हजार हैं, एक रिंग और आपको हजार बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको देर नहीं करनी चाहिए इसको वियर करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और आज की आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, या फिर कहें तो फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।